गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टी मंथन भारत ने जो ऑनलाइन एजुकेशन के तहत घर से पढ़ाओ अभियान शुरू कर रखा है, उसमें हम आपको घर बैठे ही एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम ग्रामर का अपना टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है जेंडर। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं लिंग, यानी कि लिंग किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह तीसरी क्लास से लेके और दसवीं तक जो है वो हर क्लास के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों में आता है। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं कि जेंडर यानी कि लिंग किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस शब्दों से इनके कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी संज्ञा जिससे हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति से है या पुरुष जाति से है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जेंडर। यानी कि इसकी परिभाषा लिखें, अ नाउन दैट टेल्स अबाउट ओन सेक्स, मेल और फीमेल। यानी कि मेल और फीमेल के बारे में हमें यह बताता है कि वह किस क्लास से है, तो वह क्या कहलाता है? नाउन। ठीक है, जैसे मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है, इनसे हमें पता लग जाता है कि वह कौन सा जेंडर है। क्लियर है? तो आगे हम करते हैं इसकी टाइप्स। ठीक है, कि जेंडर जो है कितने प्रकार के हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, तो इसकी मुख्यतः जो चार प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? वह है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग यानी के जो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनाइन के लिए भी, और न्यूट्रल जेंडर, जो वो नपुंसक लिंग जेंडर होता है हमारा, और हम इनको डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पुलिंग, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लिखवा रहे हैं, आप अपना कॉपी पेन उठाए और इसको लिखे। A noun that tells us about the male class. यानी कि ऐसी संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि पुरुष जाति से संबंधित कोई भी ऐसा शब्द है। All words for male, all words for male is called masculine gender. जैसे boy है, tiger है, किंग है, ब्रदर है, एक्टर है, मोहन है, और भी बहुत सारे हैं। इन शब्दों से हमें किसका पता चल रहा है? पुलिंग का, मैस्कुलिन। तो ये है हमारे मैस्कुलिन जेंडर। जो नेक्स्ट हमारा है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि जिसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। ऑल नाउन दैट टेल्स अस अबाउट द फीमेल क्लास, जिन संख्या शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। ऑल वर्ड्स फॉर फीमेल, यानी फीमेल के लिए जितने भी शब्द यूज होते हैं, जितने भी शब्द हम प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। जैसे लोइनस है, सिस्टर है, एक्ट्रेस है, दादा है, गर्ल है, वुमेन है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमें किसके बारे में बता रहे हैं? स्त्रीलिंग के, इनके फेमिनाइन के बारे में। कॉमन जेंडर, कॉमन का अर्थ होता है सामूहिक, या जो दोनों शब्दों के लिए, इनके दोनों नाउन के लिए, अ नाउन दैट टेल्स अस इधर द मेल और फीमेल, जो हमें पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बताती है। हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल, इनके जो शब्द मेल और फीमेल दोनों के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से हम अंदाजा लगाओ स्टूडेंट कौन होता है, बॉय को भी हम स्टूडेंट कहते हैं और गर्ल्स को भी हम स्टूडेंट कहते हैं। अब मैंने बोला कि टीचर, तो टीचर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? हम दोनों के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर किसके लिए यूज होता है?
वह एक लेडी के लिए भी बोल सकते हैं डॉक्टर, और एक जेंट्स के लिए भी हम डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पेरेंट्स शब्द है, पेरेंट्स से भी हम ऐसे ही दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा कॉमन जेंडर वो कंप्लीट होता है। जो इसकी फोर्थ टाइप है वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, ऑल नाउन दैट टेल्स अस अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं को हम किसमें लेते हैं, नपुंसक लिंग या न्यूट्रल जेंडर के अंदर। तो जितने भी जैसे फैन है, बैग है, टेबल है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सांस नहीं लेती, जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के थिंग्स के अंदर आती हैं, उनको हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर लेते हैं। क्लियर है इतना? लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो मेन बातें हैं वो आपको नोट करनी पड़ेगी इसके अंदर, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो इस जो टॉपिक का, जेंडर का जो टॉपिक है उसके अंदर, ये बातें आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको, इन रूल्स को तो याद रखें ही रखेंगे, जब तक आपको ये नियम याद नहीं होते तब तक आपका जेंडर कंप्लीट नहीं होता है। तो पहला जो नियम है कि जो निर्जीव पदार्थों यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और कीड़े मकोड़ों यानी कि जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं और जो छोटे जानवर हैं स्मॉल एनिमल्स, उनको भी इसी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। समझ आई ना बात? दूसरा जो नियम है कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है, और दूसरा मटीरियल नाउन, और तीसरा कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब भी न्यूट्रल जेंडर के अंदर ही आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम हिंदी में जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका वर्गीकरण करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो जेंडर के जो नियम है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, राम, बॉय, हॉर्स, टीचर, नर्स, गोल्ड, गुडनेस और स्नेक, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सुने ध्यान से, राम, बॉय, हॉर्स, टीचर, नर्स, गोल्ड, गुडनेस और स्नेक। आपको इनका जो जेंडर है वो बताना है कि ये किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, जो अगले पार्ट में इसको जेंडर के जो हम कन्वर्ट करते हैं मेल टू फीमेल, तो उसको हम कैसे करेंगे, उनके जो रूल्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए बाय बाय।